मंगल भवन अमंगल हारी। श्री राम मुलख प्रभु जी जग सुखकारी। 38 सिंह स्वामिनी साध्वी और उसके योगी गुरु से मिलाप। योगी बैठ ध्यान में देखें, चल रहे प्रभु का मार्ग पेखें। इच्छा सबकी यही थी एक, पधारें प्रभु जी धारें टेक। सफल तपस्या अपनी जाने, जो चरण प्रभु उस मार्ग आने। मार्ग चलते बिहड़ आया, उसका दृश्य था प्रभु को भाया। उस भीतर आकर्षण पाया, प्रभु जी पग था उधर बढ़ाया। चलकर आगे देखी नारी, सन्मुख उसके सिंह एक भारी। वह थी तो एक साध्वी नार, कर रही आश्रम की रखवार। वह थी तो एक साध्वी नार, कर रही आश्रम की रखवार। देख प्रभु को उस जा आया, लाई न देरी शीश झुकाया। माथा उसने टेक कर की विनती सुविनीत, नाथ स्वागत आपका, यह वन किया पुनीत। मेरे सदगुरु पास ही करते यहाँ निवास, विनती मेरी आपसे, धारें पग उन पास। प्रार्थना को प्रभु जी स्वीकारा, पग उस दिक को फिर उन धारा। आगे आगे साध्वी नारी, पीछे उनके मंडली सारी। पहुँचे जाकर आश्रम माही, रहता योगी गुरु जिस थाही। योगियों में था वह सरदारा, उठकर उसने प्रभु सत्कारा। गुप्त बात को विरला जाने, प्रभु को तो योगी पहचाने। या था काक भुषुंडी जाना, आना प्रभु का प्रथम बखाना। योगी ने फिर आसन दीना, प्रभु हुए तब सुख आसीना। साध्वी कंद मूल ले आई, आतिथ प्रभु जी का कर पाई। चर्चा चाली योग की, सभी सुने ला ध्यान। योगी बातें पूछता, करता प्रभु का मान। साध्वी बैठी पास थी, सुनती लाकर कान। उसकी रुचि को देख कर कीना प्रभु बखान। योगीवर यह शिष्या तेरी, जानू मैं यह चतुर घनेरी। क्या कुछ साधन इस कर पाए,
सुनना चाहे हमें बताए। उत्तर योगी ने दे पाया, सत्य आप जो है फरमाया। है यह परम विरक्ता वाला, बीते साधन में ही काला। अथवा सेवा में रत रहती, समय ना अपना यों गवाती। जो कुछ इसने पाया ज्ञान, प्रश्न करो और लो सब जान। न्यूनता जो भी इसमें पाओ, पूरी करके अब तुम जाओ। ईश रूप हैं आप पधारे, एक चित होकर यह सत्कारे। ऐसा अवसर कब मिले, आवे फिर जब आप। भाग खुलें जब जीव के, तब हो प्रभु मिलाप। सुनकर प्रभु जी यों फरमाए, दक्षिण दिक में हम थे आए। जाने हम यह स्थान पवित्र, यहाँ पर प्रगटे रामचरित्र। ऋषि मुनियों का स्थल यह पावन, मिटा सका ना जिनको रावण। दर्शन आपके याद दिलावे, अगस्त मुनि का स्मरण करावे। आपकी शिष्या को मैं जानू, शबरी का अवतार ही मानू। ऋषियों मध्य जो समय बिताती, राम प्रतीक्षा में थी रहती। नारी जीवन परम महान, भाव भक्ति की यह है खान। सेवा गुण भी इसमें भारी, अहम भाव से रहे न्यारी। नारी में गुण बहुत हैं, समझे कोई सुजान। नारी का जहां मान हो, देवर में तह आन। इस देवी ने योग कमाया, बहुत हमारे मन है भाया। योगी नारी देवी रूपा, सिंह वाहिनी दिव्य स्वरूपा। मन ही सिंह रूप दर्शावे, योगिनी नारी वश में लावे। सदा रहे उस पर आसीना, दिव्य शक्तियों में लिवलीना। वही शक्तियां भुजा दिखाई, कहीं अष्ट कहीं शत भुजाई। जिनमें आयुध धरे अनुपा, मारे वृत्तियां क्लिष्ट स्वरूपा। योगिनी माता कृपा रूपा, जग में प्रकटी शान अनुपा। पापी जन क्यों दर्शन पावे, योग धर्म ना दुष्ट अपनावे। नारी जन जब योग को, लेंगी तन मन धार। 33 कोटि देश के, देव बने नर नार।
अब हम इससे पूछते योग संबंधी बात, सब भक्तों के बोध हित प्रश्न हमारा तात। आज्ञा योगी ने तब दीनी, दंडवत शिष्या ने फिर कीनी। मुख से लागी वह उच्चारण, वाणी जैसे वीणा वादन। भगवन आपने जो फरमाया, मैं जानू जो गुरु समझाया। सुप्त शक्ति जो सब घट माही, सर्पनी कहते हैं उस ताही। दिव्य अलौकिक शक्ति जानो, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म मानो। घन में विद्युत जिमी लसावे, घट में कुंडली तिमी समावे। सर्पिनी अथवा कुंडलिनी, दोनों इसके नाम। सुप्त आधार पद्म में, सर्प जिमी निज धाम। कुंडल साढ़े तीन में, रहती उसी स्थान। अपने मुख को डाल कर, सुषुम्ना में भगवान। जब तक रहती सुप्त यहा, ज्ञान को नर न पाए। छूट न विषयों से सके, रहत माया भरमाए। सर्पनी शक्ति उसी की जागे, योगी गुरु के पग जो लागे। प्राण सुषुम्ना भीतर धारे, ले संकल्प करे वहीं सारे। गुरु कृपा से प्राण उठावे, शून्य में कुंडलिनी चढ़ जावे। कुंडल अपने खोल दिखावे, सीधी ऊपर उठ कर जावे। जैसे जैसे प्राण चढ़ावे, ऊपर वैसे कुंडली जावे। षट चक्रन को भेद दिखावे, प्रवेश सहस्रार में पावे। सदगुरु के वहां दर्शन पावे, पूजा करके लौट दिखावे। इस विध कुंडली का उठ जाना, सुप्त शक्ति का जागरण माना। प्रश्न आपने जो किया, उत्तर मैंने दीना। मैं तो केवल साधनी, अल्पायु मतिहीन। गुरु कृपा से जो कुछ पाया, निज मुख से मैं वह बतलाया। प्रश्न और पूछे कोई भाई, यथा मति मैं कहूँ मन लाई। प्रभु जी ने संतोष जताया, उत्तर उनके था मन भाया। हरि नंद की इच्छा जानी, प्रश्न करने की उस मन ठानी। प्रभु जी का संकेत जो पाया, उसने अपना भाव जताया। भगनी हमें यह फिर समझाना,
शून्य में कुंडली का उठ पाना। कौन मार्ग जहां कुंडली धावे, कौन ठौर जो शून्य बन पावे। शून्य में कुंडली क्यों उठ जावे, ठौर अपना किमि छोड़ दिखावे। सुन साध्वी उस प्रश्न को, भई ध्यान में लीन। फिर नेत्रों को खोल कर बोली वचन प्रवीण। भाई मेरे मैं समझाऊं, दे दृष्टांत इसे बतलाऊं। सुषमना नाड़ी को इमि जानो, वायु भरी एक नाली मानो। सिरा डूबा हो जल में जैसे, कुंडली सुषमना संग है ऐसे। जभी वायु को खींच दिखावे, कुंडली जल को चढ़ता पावे। सुषमना मध्य प्राण उठ पावे, कुंडली खींची उधर्व को जावे। मार्ग सुषमना का अपनावे, षट चक्रन को भेद दिखावे। सुनकर सभी अचंभा माने, कैसे विशद विवरण बखाने। ऐसे गुप्त रहस्य जो भारी, समझे स्पष्ट विज्ञ नारी। प्रभु जी ने कुछ और भी की वार्ता उन संग। चलने को तत्पर भये, समेट सकल प्रसंग। जाते प्रभु जी को जब जाना, योगी ने मन में अनुमाना। अहो भाग्य है मेरे भारे, प्रभु ने आश्रम में पग धारे। ऐसा अवसर ना फिर पाऊं, मन के संशय सकल मिटाऊं। सोच यह उसने वचन उचारा, नाथ मेरा एक संशय भारा। सदा रहे वह मन के अंदर, आप निवारे ज्ञान समुंदर। योगी सदा ध्यान लगाते, अपना इष्ट प्रेम से ध्याते। भक्त भी करते प्रभु की पूजा, नित्य कर्म रत काम न दूजा। ज्ञानी लोग ज्ञान रत रहते, माया से वे मुक्ति चाहते। कर्म योगी तो कर्म को देते सदा महत्व। लोक संग्रह हित कर्म ही करते छोड़ ममत्व। अपना मार्ग सभी सराहवे, कदापि दूजा न अपनावे। योग भक्ति और कर्म ज्ञाना, इसमें उत्तम कौन बखाना। कौन मार्ग जो नर अपनावे, पाप ताप से जिमि छुट पावे। करो निवारण संशय नाथ, लगे हमारे मुक्ति हाथ।
संशय प्रभु जी ने सुन पाया, कर गंभीर मुद्रा फरमाया। मुक्ति जीवन लक्ष्य है ठीक, चलो सदैव उसी की लीक। मार्ग भिन्न दिखें जो भाई, सभी समझो तुम एक इकाई। नदी समुद्र में सभी जावें, मोक्ष में मार्ग सब मिल पावें। सब मार्गन का योग जो, वही कहावे योग। योग में भेद अभेद है, समझें सज्जन लोग। योग वृक्ष तुम ऐसा जानो, शाखा बहु उसकी तुम मानो। राज हठ और भक्ति ज्ञाना, कर्म योग जिमि कृष्ण बखाना। ये सब योग के मानो अंगा, साधे सकल ना रहे अपंगा। श्रद्धा सहित जो एक ग्राहे, सकल अंगों को वह अपना है। तुमने प्रश्न जो की ना भाई, दीना यथा मति समझाई। अंतर के सब संशय सुलझें, प्रभु चरणों में मन जब उलझें। प्रभु चरणों का दिव्य प्रकाश, सकल भ्रमों का करता नाश। यह तो अनुभव गम तुम जानो, शकना इसमें लेश भी आनो। श्री प्रभु राम लाल जी की जय। शरणम श्री सद्गुरुदेव जी की जय। शरणम 39 जल भीतर समाधिस्थ योगी। पाकर प्रभु से ज्ञान को, साध भया तब धन्य। संशय उसके मिट गए, भ्रम न रहा कुछ अन्य। प्रभु जी को उसने सत्कारा, रहो यहीं इमि वचन उचारा। कहें प्रभु हम ठहर ना पाए, आगे ईश हमें ले जाए। जैसी इच्छा कह वह पाया, चला साथ वह दूर पहुँचाया। परिभ्रमण में जब रुक पाए, आश्रम योगी के एक आए। योगी समाधि में दिख पाता, उठकर वहां से कहीं न जाता। प्रभु जी उसको ठीक पहचाना, भक्त भी देखें मन अनुमाना। आगे ना फिर चल कर जाएं, दृढ़ता पूर्वक डेरे लाएं। गुफा साध की नदी किनारे, ऊपर सबने डेरे डारे। सुंदरता उस देश की, देख सभी मन चाव। प्रभु चरणों में बैठ कर, प्रकट करें निज भाव। कुछ दिन वहां जब ठहरे, नदी में आई बाढ़।
गुफा साधकी डूबती, देखी जल उस गाढ़। सबके मन भई चिंता भारी, डूब गई जब गुफा वह सारी। योगी बचकर निकल ना पाया, जल ने उसको वहीं डुबाया। जल प्रवाह था वेग से बहता, स्थिर ना कुछ भी उसमें रहता। दूर दूर सब नजर दौड़ावे, योगी का ना शव कहीं पावे। ईश्वर का यह कैसा कोपा, समाधि बैठा योगी लोपा। प्रभु जी उनकी चिंता जान, बखाने सबको दे प्रमाण। चिंता का ना कारण मानो, योगी इच्छा मृत्यु जानो। योगी को ना बाढ़ बहावे, सदगुरु उसको स्वयं बचावे। प्रभु जी के सुन वचन को, भय सभी हैरान। मन उनका ना मान सके, बचे साधके प्राण। प्रभु जी उनकी शंका जानी, निवृत्त करें यह मन अनुमानी। हरि हरानंद पास बुलाया, लावो डुबकी यह समझाया। जल के भीतर जाकर देखो, समाधि बैठा योगी पेखो। हरि हरानंद आज्ञाकारी, वाणी गुरु की प्राण से प्यारी। उसने क्षण भी देर ना लाई, छलांग नदी में धाम लगाई। हरि हरानंद जल में मगना, सब जन देखें ध्यान संलगना। हरानंद भी बाढ़ डुबाना, भक्त जनों ने भय यह माना। मगन ध्यान में प्रभु जी देखें, हरानंद की गति को पेखें। गुरु की आज्ञा मान कर, शिष्य करे जब साहस। दिव्य रूप गुरु धार कर, रहे निरंतर पास। मांझ गुफा हरानंद आया, समाधि बैठा योगी पाया। दृढ़ था उसका ऐसे आसन, मानो करता जल पर शासन। श्वास थे उसने इमी चढ़ाए, जल ना उसका कुछ कर पाए। देख हरि यह प्रभु की माया, जल के ऊपर फिर वह आया। आकर प्रभु को शीश निवाया, जो देखा था सबन सुनाया। हुई सबको परम हैरानी, सुने प्रभु की प्रेम से वाणी। प्रभु जी उनको सब समझावे, रहस्य योग के खोल बतावे। समाधि कैसे जल में लावे, किमिना जल में बहकर जावे।
साधन के प्रताप से भव से नर तर जाए। क्यों फिर साधक नीर में अपने प्राण गंवाए। उतर गया जब नदी का नीर, प्रकट भई वह गुफा जल तीर। साधु उठकर आया उस स्थान, बैठे जहां थे प्रभु निज ध्यान। आकर उसने शीश झुकाया, नमो शिवाय मुख से फरमाया। प्रभु ने अपनी आंख उघारी, कृपा दृष्टि योगी पर डारी। साधु ने निज भाग्य सराहया, मैं तपस्या का फल पाया। कहा मैं कृपा तोरी चीनी, जिसने जल में रक्षा कीनी। ध्यान भजन में आप लगावें, घेरे संकट आप बचावें। सब संशयों को आप मिटावें, ज्ञान की ज्योति भी प्रकटावें। कृपा आपने कीनी, लिया मुझे अपनाए। किस विध अस्तुत मैं करूं, दास परम निसहाय। कहें नाथ है योगी प्यारे, ईश्वर के हैं कर्म न्यारे। पापियों को जो दंड है देता, रक्षा भक्तों की कर लेता। उसके जो हैं आश्रित रहते, तन मन के ना दुख वे बहते। कांटे उनको फूल सम होवे, संकट पर्वत राई समझोवे। शूली शूल सम हो के लागे, प्रभु कृपा में जो नर पागे। शरण प्रभु की परम हितकारी, शरण प्रभु की सब भयहारी। शरण प्रभु की जन्म संवारे, शरण प्रभु की कुल को तारे। शरण प्रभु की योग सिखावे, प्रभु कृपा से सब कुछ पावे। सुनकर प्रभु की वार्ता, योगी भया कृतज्ञ। उसने जाना तत्व को, ये हैं प्रभु सर्वज्ञ। आए हैं ये दास हित, करने मुझे सनाथ। अथवा क्यों कर आएंगे, चल कर ऐसे पाथ। चरण स्पर्श उस प्रभु के कीने, हृदय में फिर धरवे लीने। सीधा गुफा में चल कर आया, प्रभु सूरत में मन को लाया। उधर नाथ ने जब यह जाना, कार्य भया है जिमी अनुमाना। भक्तों को फिर पास बुलाया, मुख से उनको यह फरमाया। साधन भूमि है यह प्यारी, करो साधना बनो सुखारी।
हम सदैव हैं संग तुम्हारे, आसन भक्त के हृदय धारे, योग साधना में लग जाओ, गुफा में जैसे योगी पाओ। जब स्मरण करे कोई भाई, हो हम आकर स्वयं सहाय। आए साधन में विघ्न, स्मरण करो तत्काल, अंतराय मिट जाएंगे, रवि उदय तम जाल। सुनकर भक्त विदा हो पाए, वन में आसन सबन जमाए, हरि हरानंद संग ना त्यागा, कृष्णानंद भी संग हो लागा। मुख राम जो प्रभु का प्यारा, हुआ ना चरणों से वह न्यारा। सब मिल प्रभु की सेवा कमावें, जन्म अपने को सफल बनावें। जब प्रभु भू पर तन को धारें, देव भी सेवा को सत्कारें। शेष था लक्ष्मण बनकर आया, राम सेवक जो परम कहाया। कृष्ण रूप में प्रभु जब आए, गोपियां वेद ऋचाएं लाए। राम लाल के रूप पधारे, सेवा में थे मुनि जन भारे। कृष्णानंद मुख राम जो, भय योग प्रवीण, हरानंद सा सिद्ध भी, सेवा में लवलीन। जब कुछ आगे प्रभु चल पाए, अति सुंदर एक थल पर आए। नर्मदा तट पर एक था कुंजा, मनोहर वृक्षों का जो पुंजा। कलरव खगगन का मनहारी, मनु गावे प्रभु महिमा भारी। अथवा स्वागत प्रभु का करता, फुदक फुदक अभिनंदन करता। देख प्रभु जी उन मन चाव, यहाँ रुके यह उपजा भाव। संकेत हरानंद पाछे पाया, प्रभु आसन तहां प्रथम लगाया। गुरु सेवा की ऐसी नीति, केवल योग बताए रीति। मन जब प्रभु अर्पण हो पाए, सेवा बिन ना कुछ भी भाए। श्री प्रभु राम लाल जी की जय, शरणम श्री सद्गुरुदेव जी की जय, शरणम। 40 दो शरीरों की रचना और एक शरीर का नासिक नगर में त्याग। गुरु सेवा से उपजे सदगुण निर्मल भाव, सदगुरु सेवा का रहे योगी जन को चाव। कुछ दिवस प्रभु वहां बिताए, सेवा में मन हरि लगाए। कृष्णानंद भक्ति में रहता,
वन के कष्ट खुशी से सहता। मुख राम जो तार्किक विद्वान, पाता प्रभु से नूतन ज्ञान। एक दिन प्रभु के मन में आया, मंत्र योग में उन्हें लगाया। अनेकों मंत्र सिद्ध कराए, वैदिक लौकिक सब बतलाए। मंत्र शक्ति का ज्ञान कराया, विनियोग भी उन्हें बताया। भक्तों को प्रभु शक्ति देवें, जीवन नौका सुख से खेवें। दया प्रभु की कथी न जाए, शरण पड़ों की करें सहाय। प्रभु कृपा का बोध कर, होवे भक्त सुजान। सकल विकल तब त्याग कर, चरण गहे प्रभु आन। भक्त मंत्र साधन में रहते, नाथ भजन में समय बिताते। दिव्य लीला किसी लख ना पाई, जैसे वहां पर प्रभु प्रकटाई। गूढ़ से गूढ़ चरित्र महान, जाने वह जिसे देवें ज्ञान। नाथ ने धारा रूप अनूप, प्रकटाया नासिक दूज स्वरूप। नर्मदा तीर समाधि लगाते, नासिक में उपदेश सुनाते। हरि हरानंद सेवक मावे, गूढ़ रहस्य को वह ना पावे। नासिक में बहु भक्त तराए, योग समाधि में लगवाए। होने लगा सब जगह बखान, आए हैं योगी एक महान। प्रभु विराजे नगर में, जन उमड़ कर आए। दिव्य कृपा का लाभ कर, तन मन से हर्षाए। जो जिस कामना से चली आता, प्रभु कृपा से वही कुछ पाता। निर्धन प्राणी धन को पावे, रोगी रोग मुक्त हो जावे। संतति हीन संतति पावे, प्रभु चरणों पर बलि बलि जावे। विद्या कामी विद्या पाता, पाए सफलता मन हर्षाता। संकट डूबा जो नर आता, आशीर्वाद प्रभु से पाता। संकट उसके टलते ऐसे, सूर्य उदय घन छिनते जैसे। कामना बिन दर्शन हित आता, परम शांति को वह नर पाता। प्रभु में देखे इष्ट का रूप, योग ध्यान वह पाए अनूप। प्रभु के दोनों रूप जो प्रकट भये उस देश, न भेद किसी ने समझा। धन्य धन्य सर्वेश। हरि हरानंद सेवा करता,
मन में बहुत अचंभा भरता। यहाँ नाथ ठहरे बहु काला, इस जगह का भाग्य उजाला। प्रकट प्रभु से कुछ ना कहता, भीतर ही वह विस्मय बहता। उधर दुखद एक घटना भई, फैल समस्त नगर जो गई। समाधि में प्रभु त्यागे प्राणा, ऐसा मिले ना कहीं प्रमाणा। जनता दर्शन हित थी आती, चरण स्पर्श कर वापिस जाती। भक्त शोक में रहे डुबाने, प्रभु चरणों को जो सन्माने। जल समाध उन प्रभु को दीनी, मूर्ति प्रभु की स्थापित कीनी। उस नगरी में नाथ का मंदिर बना अनूप। दर्शन हित जन आवते, क्या पर जा क्या भूप। श्री प्रभु राम लाल जी की जय। शरणम श्री सद्गुरुदेव जी की जय। शरणम 41 पुष्कर राज में पधारना। उधर प्रभु जी ने फरमाया, चलने का आदेश सुनाया। नर्मदा यात्रा पूरी कीनी, योग की शिक्षा बहु जन लेनी। उत्तर को अब लौट के जावें, महाप्रभु को जहां वे पावें। प्रभु उत्तर की ओर सिधारे, मार्ग में जन बहुत से तारे। तीर्थों में है पुष्कर प्रधान, महिमा उसकी कही महान। सतयुग से है चलता आया, पुष्कर राज जो नाम धराया। शिष्यन सहित तहां प्रभु विराजे, उड़गन मध्य जिमे चंद्र साजे। प्रभु विराजे धाम उस, दर्शन हित नर जाए। ब्रह्मचारी सन्यासी वैरागी भी आए। साधु वहां पर बहुत थे, भिन्न भिन्न उनका वेश। वेशों की प्रधानता, ज्ञान का था ना लेश। आपस में वे झगड़ा करते, वेश भेद से गुट थे बनते। अपना सब बड़प्पन चाहते, नीचा दूजे को दिखलाते। अकड़ अकड़ कर बातें करते, माया मोह के वश हो चलते। देख प्रभु को होत गलानी, बहुत करें ये धर्म की हानि। साधु चाहिए साधन धनी, माया से जो रहे अनमनी। परमार्थ पर आपा घाले, परोपकार के मग पर चाले। हानि लाभ में रहे समाना,
मान अपमान में देना काना। योग भक्ति वा तप कमावे, ऐसा पुरुष ही साधु कहावे। जो परस्पर झगड़ते और रहें परेशान, ऐसे साधु नाम के करें धर्म की हान। परस्पर कभी ना झगड़ते और रहें जो शांत, ऐसे साधु जगत में गहें धर्म की शान। जग का दुख जो निज पर लेवे, कन कन के जो शूल संजोवे, सुंदर वाणी को जो बोले, अमृत बरसे मुख जब खोले, दृष्टि करुणा की बरसावे, जीव जंतु सुख जिससे पावे, स्वार्थ जिसके निकट न आवे, ऐसा पुरुष ही साधु कहावे। ईश्वर पर जो निष्ठा रखे, धन जन बल पर लेश ना माखे, विषय भोग से रहे उदासा, जैसे जल में पंकज वासा, स्वाध्याय में समय लगावे, अथवा ध्यान समाधि कमावे, यम नियमों को पाल दिखावे, ऐसा पुरुष ही साधु कहावे। जो साधु का वेश धर रखे माया प्यार, जग में वह भरमात है जीवन करे खवार। प्रभु जी साधुन को समझाया, मोह माया का अंत बताया, योग धर्म का गुण जतलाया, साधन का स्वरूप दिखाया। अभिमानी साधु ना कुछ माने, मोह के वश ना प्रभु पहचाने, ब्रह्मा भी ना मूरख तारे, ईश्वर सतगुरु उनसे हारे। देख प्रभु जी मौन अपनावे, जैसा कर्म वैसा फल पावे, परस्पर कलह करें दिन राती, बकबकी की नौबत आती, मुक्कम मुक्का से ना टलते, दंडा दंडी भी वे करते। एक दिन बढ़ गई हद से बात, लठ लठों से करें आघात। ब्रह्मानंद एक महात्मा, प्रभु से राखे प्यार, उस पर भी प्रहार हुआ, प्रभु का मन दुखियार। जहां प्रभु जी आसन लाया, उस जा एक उदंडी आया, हाथ प्रभु पर लगा उठाने, पाप कर्म था घोर कमाने। हरि हरानंद बैठा छत पर, देख रहा था होकर तत्पर, तन में उसके आग लगी जब, वहीं तुरंत छलांग लगी तब।
डंडे के उस लाठी छीने, दुर्गत उससे उसके कीने। भागा वह निज साथी लाया, बहु जनों आ घेरा पाया। मारो पकड़ो सभी पुकारे, अपशब्द भी साथ उचारे। हरानंद उपजा मन क्रोधा, मन अपने में प्रभु को सोधा। एक पग पीछे हट कर लाठी इमी घुमाई, डर से ही चंपत भई साधुन की समुदाई। ब्रह्मानंद यह देख कर विस्मित भया महान, प्रभु समक्ष करने लगा हरानंद गुणगान। प्रभु जी ने उस बात को टाला कह कर मीत, यथा समय कर्तव्य के करने की यह रीत। पुष्कर से फिर चल दिए जग के सृजनहार, दिशा पूर्व की राह ली आए देश विहार। प्रभु से पूर्व कीर्ति पहुंच गई उस देश, भानु उदय पीछे भये उषा हो देश विदेश। श्री प्रभु राम लाल जी की जय, शरणम श्री सद्गुरुदेव जी की जय, शरणम।